अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। कौन सी फिल्म है? फिल्में तो अभी भी बनती है, पहले भी बनती थी। आजकल लोगों में भय का वातावरण है, चाह के भी लोग कुछ चू नहीं कर सकता क्योंकि सजा हो जाएगी। समझ रहे, तानाशाह का दौर है ना, वरना अब तक तो फिल्म क्या पूरा सीरीज बन गया होता। अब दो लोग बड़े लोग हैं, अब इसमें हम क्या बोलेंगे? मेरा बोलना इसमें शुभा नहीं है। निरूपण ने भी कहा, लेकिन इस मामले में हमने ट्वीट किया था, सुषमा स्वराज जी ने भी ट्वीट कहा था। जब प्रधानमंत्री जब कब अपशब्द के बारे में बात करें या राजीव गांधी जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें या स्टेटमेंट दें तो उसकी भी तो निंदा होनी चाहिए। राजीव गांधी के बारे में भी कहा गया, आपने सुना होगा कि उनको तो ब्रश कहा गया और मॉब लिंचिंग। बहुत ही घटिया बयान है। प्रधानमंत्री के स्तर पर बैठा हुआ लोग, पद पर बैठा हुआ लोग, व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि इस तरह का घटिया बयानबाजी करें। उदित नारायण ने कहा कि दलितों को भड़काया जा रहा है, अगर दलित उनको वोट देते हैं, दलित अगर बीजेपी को वोट देती है तो वो अपना गर्दन खुद काटती है, कल का बयान है उदित राज का। अब देखिए, तो सच्चाई है। आप देखिएगा कि जो लोग बीजेपी में थे या हैं, अब वही लोग बीजेपी के अंदर जो सोच है या जो उनकी करतूतें रही हैं दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, अब सामने आ रही है। दलितों को भड़काने जैसा काम है क्या? करने पर सर एक बात आई है, अजीत कुमार जी ने अपने प्रचार के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च किया है। लाइए लाइए, आराम से लगा। बिहार गरीब राज है, पिछड़ा राज है, और इस राज्य में अगर नीतीश कुमार 5 अरब यानी 500 करोड़ रुपए सिर्फ अपने फेशियल और ब्लीचिंग के लिए विज्ञापन देंगे तो आप समझ सकते हैं बिहार का क्या होगा। इतना विज्ञापन में पैसा खर्च करना एक गरीब राज्य होकर के, एक तरफ हम मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, और ये अरबों रुपए जो है, करोड़ों रुपए जो है, सिर्फ नीतीश कुमार अपना चेहरा चमकाने के लिए, फेशियल और ब्लीचिंग के लिए इतना पैसा बहा रहे हैं तो जनता जवाब देगी। लेकिन इतना पैसा बहाएं अपने चेहरे को चमकाने के लिए कोई काम नहीं।